हेलो दोस्तों, एक आईफोन की मार्केट प्राइस के बदले में हम 5 शानदार नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। और शायद आपको पता ना हो, लेकिन आईफोन में बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती है। मतलब कि आप जो एंड्रॉयड मोबाइल में कर सकते हैं वो वर्क आप आईफोन में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आईफोन एंड्रॉयड मोबाइल से कहीं ज़्यादा महंगे होते हैं। और कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे मन में भी ज़रूर ही आता है, आखिरकार क्यों लोग महंगे होने के बावजूद भी आईफोन पर पैसे खर्च करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो दोस्तों आप यह वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि आज के बाद आप यह नहीं कहने वाले हो कि आईफोन महंगे होते हैं, बल्कि आप कहेंगे कि आईफोन यह प्राइस डिज़र्व करता है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्यों एप्पल के मोबाइल्स इतने महंगे होते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सिस्टम। देखो यार, सभी लोग अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखना चाहते हैं, और आईफोन के महंगे होने का सबसे पहला रीज़न भी यही है। आईफोन में उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होती है, और इसीलिए आईफोन को हैक करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड को रूट करके उसमें छेड़छाड़ कर लेते हैं, और फिर उनको हैकर्स इजीली से हैक कर लेते हैं। लेकिन आईफोन में आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। एंड शायद आपको पता ना हो, लेकिन एप्पल के पास iOS नाम की उनकी एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो आईफोन को सुपर सेफ और फास्ट बनाता है। और आईफोन एंड्रॉयड की मात्रा में बहुत ज़्यादा तेज इसीलिए होते हैं। दरअसल एंड्रॉयड सिस्टम गूगल के द्वारा बनाई गई है, और यह एक ओपन सोर्स होने के कारण इसे अन्य कंपनियां भी यूज़ कर सकती है, जैसे कि MI, वीवो और ओप्पो। लेकिन एप्पल के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिर्फ आईफोन में और एप्पल के लैपटॉप में ही यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड नंबर पर है डिस्प्ले एंड कैमरा क्वालिटी। अगर आपने कभी आईफोन यूज़ किया होगा तो आपको भी एंड्रॉयड के डिस्प्ले और आईफोन के डिस्प्ले में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिला होगा। और यह बात तो आपको भी पता होगी कि आईफोन कैमरास के लेंस की क्वालिटी एंड्रॉयड मोबाइल्स के मुकाबले हज़ार गुना अच्छी होती है, जिससे कि इमेज क्वालिटी भी बहुत क्लियर एंड शानदार आती है। दरअसल एप्पल के कैमरे में प्रयोग होने वाले लेंसेज काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं, और यही रीज़न है कि एप्पल के फ़ोन में आने वाली इमेज की क्वालिटी एंड क्लियरिटी एंड्रॉयड मोबाइल्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड थर्ड नंबर पर है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग पावर। अगर हम आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल में कंपेयर करें तो आईफोन एंड्रॉयड मोबाइल से कहीं गुना फास्ट होते हैं, और इसका मेन रीज़न है कि आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका प्रोसेसिंग पावर, जिसमें कि एडवांस टेक्नोलॉजी रन होती है, और इसीलिए आईफोन में हाई साइज एंड हाई रिजोल्यूशन वाले गेम भी बहुत स्मूथ चलते हैं। अब देखो यार, बात ऐसी है कि एंड्रॉयड में जो प्रोसेसर लगा होता है वह एंड्रॉयड वाले थर्ड पार्टी से लेते हैं, लेकिन आईफोन के पास तो उसका खुद का पर्सनल प्रोसेसर होता है, और इसी की वजह से एंड्रॉयड के मुकाबले में आईफोन काफ़ी फास्ट होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट रीज़न है ब्रांड वैल्यू। अगर हम एंड्रॉयड मोबाइल की तुलना आईफोन मोबाइल से करें तो आईफोन की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हर कोई आईफोन को ख़रीदना चाहता है। आईफोन के महंगे होने के तीन मेन रीज़न तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं। एंड मार्केट में अदर कंपनियों की मात्रा में आईफोन की ब्रांड वैल्यू और उसका भरोसा लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से आईफोन की कीमत में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। वैसे भी आजकल के लोग आईफोन को सिर्फ दिखाने के लिए ख़रीदते हैं, क्योंकि आईफोन के मोबाइल बहुत महंगे होते हैं, और इसकी वजह से शो ऑफ करने में आईफोन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और इसकी वजह से आईफोन की ब्रांड वैल्यू में कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है, और आईफोन दिन प्रतिदिन महंगे होते ही जा रहे हैं। दोस्तों, आईफोन एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का लेवल हर कोई जानता है। इसकी वजह से लोगों का आईफोन पर एक भरोसा बन गया है, और उस भरोसे के कारण कंपनी आईफोन महंगे कर देती है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आईफोन महंगे क्यों होते हैं। एंड आप में से जितने भी लोग आईफोन को यूज़ करते हैं, उनको तो पता ही है कि आईफोन महंगे नहीं, बल्कि आईफोन यह प्राइस डिज़र्व करता है। और लास्ट में केवल यही कहूँगा कि मेहनत पसंद आई हो या ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, मैं वापस से लौट कर आऊँगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अच्छा, वैसे आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्लिक कीजिए।